अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल के मैच के बाद इफ्तिखार अहमद का बड़ा बयान सामने आ चुका है। इफ्तिखार अहमद ने भारत को भी खबरदार कर दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल जियो ट्रेंड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल के मैच के बाद इफ्तिखार अहमद का बड़ा बयान सामने आ चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान इफ्तिखार अहमद का कहना था कि नेपाली टीम तो सिर्फ एक बहाना थी, लेकिन असल निशाना तो भारत है। भारतीय टीम को एशिया कप में हराना ही मकसद है। दोस्तों, इफ्तिखार अहमद का ये बयान सुनकर भारतीय भी हैरान रह गए, क्योंकि पाकिस्तान का एशिया कप में दूसरा मैच भारत के साथ है, जबकि भारत का एशिया कप का पहला मैच होगा। दोस्तों, इफ्तिखार अहमद के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।